इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और लैपटॉप के बारे में जिसका नाम होने वाला है HP G8 इसका नाम है, जिसमें इंटेल कोर का i3 11th जनरेशन डला हुआ है। तो इस लैपटॉप के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरी और एंडिंग तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी जानकारी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। मैं मेरे चैनल पर आप लोग के लिए ऐसे ही लैपटॉप रिव्यू वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। मैं उनके फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ, ऑल फीचर्स के बारे में बात करता हूँ और प्राइस के बारे में आपको उनकी जानकारी देता हूँ। तो इसकी प्राइस अप्रॉक्स होगी 30 से 35 हज़ार के बीच में अप्रॉक्स प्राइस के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप है। तो देखते हैं इसमें क्या फीचर्स मिल रहे हैं आपको इस प्राइस रेंज में। तो वो सबसे नजर डाल लेते हैं HP G8 Intel i3 11th जनरेशन लैपटॉप। तो इंटेल कोर i3 प्रोसेसर का 11 जनरेशन है, 8GB की DDR4 रैम है, 32 बिट विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 512GB की SSD है, 14 इंचेस की डिस्प्ले देखने के लिए इसमें मिल रही है। अब अंदर देखते हैं क्या और चीजें स्पेसिफिकेशन इसमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो जनरल सील पैक मिलेगा जिसमें लैपटॉप, 1 अडाप्टर, 1 पावर केबल इसमें मिलने वाली है। मॉडल का नंबर होने वाला 240G8। इसके बाद सीरीज होने वाली G8 सीरीज का ये लैपटॉप देखने के लिए मिल रहा है। कलर की बात करते हैं, ब्लैक ग्रे कलर इसका मिलने वाला है। टाइप की बात करते हैं, बिजनेस लैपटॉप, इसका सूटेबल फोर किस किस चीज के लिए रह रहा है, ट्रैवल एंड बिजनेस के लिए सूटेबल रहेगा, प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग के लिए रहेगा, एवरीडे यूज के लिए रहेगा, परफॉर्मेंस एंड एंटरटेनमेंट के लिए ये सूटेबल होने वाला है। बीटी बैकअप की बात करते हैं, 4 घंटे का बीटी बैकअप मिलने वाला है, जिसमें 35 वॉट का AC पावर अडाप्टर आपको इस साथ मिलेगा। HP लॉन्ग लाइफ 3 सेल 41 वॉट लियोन के 3 सेल मिलने वाले हैं इस मीटर में। इनबिल्ट 4G LTE नहीं मिल रहा, स्टाइलिस इंक्लूडेड नो। प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर्स की बात करते हैं HP की G8 लैपटॉप की। तो इसमें मतलब प्रोसेसर का ब्रांड होने वाला इंटेल और प्रोसेसर का नेम होने वाला कोर i3, प्रोसेसर की जनरेशन होने वाली 11th जनरेशन, SSD कैपेसिटी 512GB, रैम 8GB की देखने के लिए इसमें मिल रही है। रैम का टाइप होने वाला DDR4, प्रोसेसर का वेरिएंट होने वाला है 111 5G4, 3.5 GHz इसकी क्लॉक स्पीड होने वाली है इस लैपटॉप की, HP के इंटेल लैपटॉप की। और इसके बाद बात करते हैं कि इसमें ग्राफिक कार्ड कौन सा मिल रहा है। तो ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर इसमें मिल रहा है इंटेल का इंटीग्रेटेड इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड इसमें देखने के लिए मिल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला 32 बिट 32 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 हो, सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 हो, सिस्टम आर्किटेक्चर 32। पोर्ट एंड स्लॉट फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कौन कौन से पोर्ट्स मिल रहा है, कौन कौन से फीचर्स मिल रहा है। तो USB पोर्ट कौन सा मिल रहा है, 2 सुपर स्पीड USB पोर्ट टाइप ए के मिल रहा है 5 Gbps सिग्नलिंग रेट्स के साथ, 1 सुपर स्पीड USB पोर्ट टाइप सी का सुपर स्पीड पोर्ट मिल रहा है सिग्नलिंग रेट्स के साथ, और इसमें हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो एज 1 HDMI और 1 AC पावर भी इसमें देखने के लिए मिल रहा है। HDMI पोर्ट, एक HDMI पोर्ट भी इसमें है, मल्टी कार्ड स्लॉट, सपोर्टेड HD, SD, HD, HDXC ये कार्ड इसमें सपोर्ट करने वाले हैं। 512GB की NVMe SSD है इसमें। डिस्प्ले एंड ऑडियो फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, टच स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन का साइज होने वाला 14 इंचेस है ना। अब बात करते हैं स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर मिल रहा है, इंटीग्रेटेड डिजिटल माइक्रोफोन इसके अंदर ही देखने के लिए मिल रहा है। रिफ्रेश रेट 240Hz की रिफ्रेश रेट है, 240 nits की इसमें ब्राइटनेस देखने के मिलेगी, धूप वगैरह में जाते हैं तो आप आसानी से इसमें देख पाएंगे। कनेक्टिविटी फीचर्स वही रियल टेक 0.2 1 वाईफाई 2x2x2 वाईफाई ब्लूटूथ 5 कॉम्बो, ब्लूटूथ का वर्जन 3.0, ब्लूटूथ का वर्जन बहुत पुराना होने वाला है 3.0, कोई लेटेस्ट हो सकता था इसमें अपग्रेड्स के साथ जो कि 5.0 हो सकता था शायद। तो NFC सपोर्ट नो। इसका बात करें डायमेंशन 1.47 kg जैसे ऊपर लिखा हुआ था इसके मेन हाईलाइट फीचर्स में कि लाइट लैपटॉप है, तो इस हिसाब से 1.47 kg इसका वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट देखने के लिए मिलेगा। एडिशनल फीचर 720 HD का कैमरा इसमें, वेव कैमरा इसमें देखने के लिए मिल रहा है, फुल साइज का कीबोर्ड मिल रहा है, आइजन स्टाइल डिस्प्ले एंड पिक रेसिस्टेंट कीबोर्ड मिल रहा है, ठीक है। इसके और चीज़ें देखते हैं क्या इसमें मिलने वाली है। तो इसमें आपको वारंटीज वगैरह मिलने वाली है, इसमें 1 ईयर की वारंटीज है, सॉफ्टवेयर इश्यूज कवर्ड वगैरह है, फिजिकल डैमेज और मदरबोर्ड का इश्यू इसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स थे HP के G8 इंटेल कोर i3 11th जनरेशन लैपटॉप के। अब इसकी बात कर लेते हैं फाइनली इसमें वेरियंट कोई आपको देखने को मिल रहा है, कलर सिर्फ आपको देखने के लिए मिल रहा है,
फिक्स प्राइस बात करें तो 32,000 से 33,000 के बीच में इसकी अप्रोक्स प्राइस रहेगी इस लैपटॉप की। आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ प्राइस कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। जहाँ आपको बेस्ट रेट मिले, जहाँ आपको बेस्ट प्राइस मिले, वहाँ से आप चाहें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम के कभी ना कभी रेट्स ऊपर अप डाउन हमेशा परमानेंट होते रहते हैं। आप आपकी जरूरत के हिसाब से भी परचेज कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल है फॉर जो भी आप काम करना चाहते हैं या फिर आपका जो भी बजट है आप उस हिसाब से भी लैपटॉप सीख सकते हैं। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अलग अलग लैपटॉप संबंधित जानकारी वीडियोस अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं, उनमें अब आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोग के लिए ऐसी ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल मानी जा रहती है। तो ऐसे मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी जानकारी मिस ना हो और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज रिव्यू वीडियोज मिलती रहे। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आपकी एजुकेशन और नॉलेज को बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। तो दोस्तों आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।